हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का वीडियो सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो मेरे द्वारा हर साल छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है वो कब तक अवेलेबल होगा। देखिए, इस साल मेरी प्लानिंग है कि जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का एक बुक पब्लिश किया जाए, यानी कि बुक डिपो के माध्यम से आप लोगों के लिए बुक अवेलेबल कराने की मेरी प्लानिंग है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में आपका लॉकडाउन लग चुका है, अप्रैल एंड तक बुक पब्लिश करने की मेरी प्लानिंग थी, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन का डेट आगे एक्सटेंड हो रहा है तो हो सकता है कि बुक पब्लिश करने का भी डेट आगे एक्सटेंड हो। अभी तो फिलहाल नोट्स पर अभी आपके वर्क हो रहे हैं, यानी कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहा है। अगर लॉकडाउन का जो आपका टाइम पीरियड और भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो उस कंडीशन में इस साल भी जो है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग तो यही है कि इस साल आपको बुक डिपो के माध्यम से बुक अवेलेबल कराया जाए। ठीक, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी फर्दर अपडेट रहा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते, ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, जिसमें हम देखने वाले हैं अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले नंबर पर है भारत का विकास दर। ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट, भारत का विकास दर, ये हम देखने वाले हैं स्थिर कीमतों पर। देखिए, दो प्रकार की कीमतें होती है, एक होती है स्थिर कीमत और दूसरी होती है प्रचलित कीमत। इस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करने वाले, जब हम अध्याय तीन पढ़ेंगे तब उसमें पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्थिर कीमत क्या होता है और प्रचलित कीमत क्या होता है। और अक्सर एग्जाम में जो है आपके स्थिर कीमतों या स्थिर भाव के ही आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए, भारत का विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट, भारत का विकास दर जो है आपके स्थिर कीमतों पर वर्ष 19-20 के लिए रहा आपका 4.2%, यानी कि 4.2% रहा आपका भारत का विकास दर वर्ष 2019-20 में। ठीक, जबकि आपके वर्ष 2020-21 के लिए भारत का विकास दर रहा आपका -7.7%, यानी कि -7.7% भारत का विकास दर रहा आपके पिछले वित्तीय वर्ष में। ठीक है, पिछला वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर के पहले पेज के पहले ही लाइन में गलती है। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2019-20 के लिए जो आपका विकास दर रहा वो रहा 4.2%, ये सही है। और यहां लिखा हुआ है वर्ष 2021-22 में जो है आपका विकास दर रहा 7.7%, जो कि गलत है। ये अभी प्रेजेंट में जो आपका वित्तीय वर्ष है ये है आपका 21-22, इसका अभी जो है आपका विकास दर के आंकड़े नहीं आ सकते। ठीक, उसको करेक्ट कीजिएगा, वहां पे जो है 2020-21 दिया, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो आपका बजट स्पीच, यानी कि जब बजट जारी किया गया था तब उस समय प्रेस नोट आया था आपके बजट स्पीच, उसमें मेंशन किया गया है 2020-21 के लिए जो भारत का विकास दर है वो है आपका -7.7%, इसको नोट कीजिएगा। और ये ऋण क्यों है, ये आपका निगेटिव क्यों है, क्योंकि पिछले साल रहा आपके कोरोना संक्रमण का काल, जिसमें मैक्सिमम टाइम जो है हमारे पूरे देश भर में आपकी लॉकडाउन की कंडीशन रही, जिसके कारण विकास दर जो है आपका प्रभावित हुआ। ठीक है, इसलिए भारत का जो आपका विकास दर है वो आपका ऋणात्मक में है -7.7%। ठीक, देखिए अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ जनगणना जो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है उसमें आपके कुछ जनगणना के भी आंकड़े दिए गए हैं, उसको भी समझते हुए चलिए। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011, अभी तो वैसे आपके 2021 में जनगणना 2021 के आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना के कारण सारे के सारे आपके सर्वे जो है वो आपके रुके हुए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है आपके 2.55 करोड़, यानी कि 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है, 2,55,00,000 की आबादी है हमारे छत्तीसगढ़ की। इस आंकड़े के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या की 2.11% है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या की आपकी 2.11%, यानी कि 2.11% आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, जबकि इस जनसंख्या के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा आपका राज्य है। ठीक है, यानी कि इस जो आपके आंकड़े हैं 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 आबादी के साथ भारत देश का 16वां बड़ा राज्य है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर 16वें स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है, कथन आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत की कुल आबादी का 2.11% आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, आबादी के आधार पर भारत का 16वां बड़ा राज्य है, ऐसे कथन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ये होता क्या है समझिएगा, प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जो है ये लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कहलाती है।
प्रति हजार लड़कों की तुलना में, यानी कि 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है, यह कहलाता है आपका लिंगानुपात। ठीक, तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है 991, यानी कि 991 यानी कि 991 छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इस 991 लिंगानुपात के साथ हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत में पांचवें स्थान पर है। ठीक है, 1000 लड़कों की तुलना में छत्तीसगढ़ में लड़कियों की संख्या है 991। ठीक, और इस 991 सकल लिंगानुपात के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भारत में पांचवें स्थान पर है। ठीक, अब इस लिंगानुपात को हम आगे क्लासिफाइड करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो है आपका 1001 यानी कि 1001। ठीक, 1001 यानी कि 1000 से ज़्यादा है, 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है आपकी 1001। ठीक, जबकि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है आपका 956 शहरी क्षेत्रों का, छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है आपका 956, जबकि एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 994, जबकि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है आपका 1020। ठीक, 1020, और ये एसटी वाला जो है पूछा गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, ये प्रश्न आया हुआ है। जब जनजाति से प्रश्न पूछा जा चुका है तो एससी से भी पूछेगा, यानी कि अनुसूचित जाति से पूछेगा, शहरी से ही पूछ सकता है, ग्रामीण से ही पूछ सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में 1001, शहरी क्षेत्र में 956 यानी कि 956, उसके बाद एससी यानी कि अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 994, जनजाति का लिंगानुपात 1020। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट है आपका एसआरएस, एसआरएस रिपोर्ट 2016-18। ठीक है, 2016-18 दो साल का रिपोर्ट एक साथ जारी किया जाता है। एसआरएस, एसआरएस का फुल फॉर्म होता है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि पूरे भारत भर के राज्यों से जो है आंकड़े एकत्र करके आपके रिपोर्ट जारी करता है। इसमें स्पेशली रिपोर्ट जो मेंशन किया गया है वो है आपकी मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर पर। ठीक, एक मृत्यु दर है आपका मातृ मृत्यु दर और दूसरा है आपका शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जिसे हम देखेंगे एक भारत के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका मातृ मृत्यु दर, जो कि वर्ष 2016 से 18 के मध्य का रिपोर्ट है। ठीक, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिपोर्ट है। अब यह मातृ मृत्यु दर होता क्या है इसे समझते हुए चलिएगा। प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में, वर्ड को समझते हुए चलिएगा, प्रति लाख बोला गया है, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। प्रसव के दौरान यानी कि बच्चे को जन्म देते समय, डिलीवरी के समय, जो आपके प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होता है। प्रसव के दौरान यानी कि जब बच्चे को जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय जो है जो आपकी माता कितनी माताओं की मृत्यु हुई वो आपकी मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होगी। ठीक, प्रति लाख, प्रति लाख में ये काउंट होता है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या होता है कि संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव, संस्थागत प्रसव के स्थान परंपरागत प्रसव का मतलब, संस्थागत प्रसव मतलब जो आपकी महिलाएं जो है वो आपके हॉस्पिटलों में, चाहे वो सरकारी हो या आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटलों में जाकर के अपने डिलीवरी कराती है या अपना प्रसव कराती है या बच्चे के जन्म देती है तो ये कहलाता है संस्थागत प्रसव। लेकिन ग्रामीण महिलाओं का क्या आदत रहता है कि वो परंपरागत प्रसव पर ज्यादा भरोसा करती है, यानी कि घरों में ही जो आपके दाई के माध्यम से प्रसव करवाना यानी कि डिलीवरी कराना यानी कि बच्चों को जन्म देना, तो ये मुख्य कारण होता है। क्या होता है कि बच्चे को जन्म देते समय माता और शिशु दोनों का जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल होता है। इस कंडीशन पे अगर उन्हें जो चिकित्सकीय सुविधा प्रॉपर तरीके से अगर मुहैया ना कराया जाए तो माता और शिशु दोनों के जान को जो है खतरा रहता है। इस कारण जो है ये जो आपका मातृ मृत्यु दर जो है आपका एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में भी। देखिए हमारे देश में जो आपके मातृ मृत्यु दर है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु दर है 113 प्रति लाख। ठीक है, 113 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर है आपका 159 यानी कि 159 प्रति लाख में है, इसको ध्यान देना है।
ठीक है, 159 प्रति लाख हमारे छत्तीसगढ़ का है, जबकि 113 प्रति लाख है हमारे भारत का, छत्तीसगढ़ का भारत से ज्यादा है। ठीक, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या, ठीक है, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके प्रति हजार में बात किया जा रहा है, मातृत्व मृत्यु दर में प्रति लाख में बात किया जा रहा था, जबकि शिशु मृत्यु दर में प्रति हजार में बात किया जा रहा है। देखिए, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या, अब इसमें प्रति हजार जीवित जन्म शिशु मतलब, देखिए डिलीवरी के पश्चात यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें शामिल किया जाता है इस शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत। ठीक, तो जो आपके 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ठीक, जैसे कि मैंने बताया संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव जो है हमारे देश में ये जो मृत्यु दर का मुख्य कारण है। तो जो आपके जो डिलीवरी के पश्चात माता और शिशु दोनों का कंडीशन काफी क्रिटिकल रहता है, अगर उन्हें उचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया ना कराया जाए तो दोनों की जान को खतरा भी बना रहता है। ठीक, तो ये जो है आपका शिशु मृत्यु दर, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या जो है आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ठीक, तो देखिए हमारे भारत में जो आपका शिशु मृत्यु दर है वो है आपके 32 प्रति हजार, जबकि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर है आपके 41 प्रति हजार। दोनों आंकड़े को आपको याद रखना है। ठीक है, एक है मातृ मृत्यु दर जिसमें भारत की स्थिति है आपके 113 प्रति लाख, छत्तीसगढ़ की है 159 प्रति लाख यानी कि 159 प्रति लाख। शिशु मृत्यु दर है आपकी 32 प्रति हजार भारत की, जबकि छत्तीसगढ़ की है आपकी 41 प्रति हजार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर से संबंधित एक और आंकड़ा मेंशन किया गया है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में, वो है आपके SDG लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य, या इसे ही कहा जाता है आपका संधारणीय विकास लक्ष्य। ये जो कॉन्सेप्ट है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। ये 17 जो आपके लक्ष्य है ये अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे स्वास्थ्य हो गया, आपके भूखमरी हो गई, गरीबी हो गई, उसके अलावा शिक्षा हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, ऐसे अलग अलग जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। और इसके आधार पर जो है ये क्या है, ये आपके भविष्य लक्ष्य है, भविष्य में पूरे किए जाने वाले ये लक्ष्य, यानी कि एक ईयर डिसाइड किया गया है और इस ईयर तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने का जो है आपका टाइम सेट किया गया है। ठीक, तो इसमें टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इसी के तर्ज पे हमारे भारत में जो है नीति आयोग के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में आपके सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, और ये भी जो है इसमें भी 17 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया है। तो हर एक राज्य जो है इन 17 लक्ष्यों को अचीव करने का प्रयास करेगी, पाने का प्रयास करेगी। टोटल 17 लक्ष्य है, तो उसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ में जो आपका SDG लक्ष्य है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो लक्ष्य है आपके 2030 तक हमारे इस छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर है उसे 100 से कम लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो आपकी 159 प्रति लाख है उसे 100 से कम लाने का प्रयास किया जाएगा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, जबकि शिशु मृत्यु दर है उसे 15 तक लाने का प्रयास किया जाएगा आपके इस SDG लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक। इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है और ये आंकड़े भी याद रखना है, कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है, PSC ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट इस टेबल को ध्यान दीजिएगा, इस टेबल में लिखा गया एक एक आंकड़ा एक इंडिविजुअल प्रश्न बन सकता है और प्रीवियस ईयर जो है आपके ये जो है क्वेश्चन बने भी है। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रवार यानी कि कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि स्थिर कीमतों पर, यहां पर भी बात हो रही है आपके स्थिर कीमतों पर। देखिए, जो आपके जो विकास दर है यानी कि जो आपके GDP है, GDP के प्रमुख घटक 3 है, एक है कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र। ठीक, ये जो 3 घटक है उनमें क्या क्या आपके उनका विकास दर रहा, उसमें कौन से ईयर महत्वपूर्ण है, उनमें औसत विकास दर विगत वर्षों में कितना रहा, ये सभी के सभी इंडिविजुअल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अब ध्यान समझते हुए चलिएगा, यहां पर आपके कॉलम में है आपका क्षेत्र जिसके अंतर्गत है कृषि उद्योग सेवा और आपका ओवरऑल GDP।
ठीक है, कृषि उद्योग सेवा और आपका ओवरऑल जीडीपी, जबकि यहां पर दिया गया है आपका अनुमानित वृद्धि जो कि आपके इस वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित है। ठीक, यहां पर दिया गया है विगत 9 वर्षों में औसत वृद्धि, यानी कि यहां पे एवरेज परसेंटेज ग्रोथ, इसके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि आपके वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के 2020-21 तक है। और यहां पर हम बात करेंगे विगत 6 वर्षों में, विगत 6 वर्षों में जो है आपका वृद्धि दर, यानी कि 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक की स्थिति में जो है कुछ विशेष, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए एक एक करके समझते हुए चलिए। सबसे पहले हम दो चीज को देखेंगे, एक आपका क्षेत्र और इसमें इस पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना जो है आपका अनुमानित वृद्धि रहा। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिविजुअल आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में जो है आपके वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपका अनुमानित वृद्धि दर रहा, वो रहा आपका 4.61%। उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में जो आपका वृद्धि नहीं, इसमें कमी दर्ज की गई, यानी कि इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया। उद्योग क्षेत्र में जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित वृद्धि दर रही, वो रही आपके ऋण 5.28%, यानी कि -5.28% की जो है आपकी इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में जो आपका वृद्धि दर रहा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, यह अनुमानित रहा 0.75%। ठीक है, 0.75%, जबकि छत्तीसगढ़ का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, यानी कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहा हमारे छत्तीसगढ़ का ओवरऑल, वो रहा आपका -1.77%, यानी कि ऋण 1.77% हमारे छत्तीसगढ़ का ओवरऑल निगेटिव आपका ग्रोथ रेट रहा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल प्रश्न बनता है, पूछता है। ठीक है, देखिए यहां पर कहां पे ऋण है, कहां पे ऋण है, ध्यान दीजिएगा। अगर तीन क्षेत्रों में से, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो ध्यान दीजिएगा उद्योग क्षेत्र में आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि ओवरऑल जीडीपी जो है यह भी आपके ऋणात्मक में है -1.77, जबकि उद्योग क्षेत्र में जो आपका अनुमानित वृद्धि दर है पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, वह है आपके -5.28%। ठीक, अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं विगत 9 वर्षों में औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। विगत 9 वर्षों में मतलब वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, 12-13 से लेकर के 20-21 तक औसत वृद्धि यानी कि एवरेज परसेंटेज ग्रोथ कितना रहा, इसको समझिएगा। तो देखिए कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2020-21 तक विगत 9 वर्षों में औसत वृद्धि जो है ये अनुमानित रही आपके 4.77%, यानी कि 4.77%। जबकि उद्योग क्षेत्र में जो आपके विगत 9 वर्षों में यानी कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के 2020-21 तक की स्थिति में आपकी औसत वृद्धि दर्ज की गई है 4.72%। जबकि सेवा क्षेत्र में विगत 9 वर्षों में वित्तीय वर्ष 12-13 से लेकर के वित्तीय वर्ष 20-21 तक की स्थिति में आपके औसत वृद्धि दर्ज की गई है 5.23%, जबकि छत्तीसगढ़ का जो आपका ओवरऑल जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है, इसमें जो आपका विगत 9 वर्षों में जो आपके औसत वृद्धि दर्ज की गई है वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2020-21 तक की स्थिति में, वो है आपका 5.09%। ठीक है, ये सभी को आपको याद रखना है। ये आपका पिछले वित्तीय वर्ष का है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमानित आंकड़ा है, जबकि ये जो आंकड़ा है पिछले 9 वर्षों का एवरेज है, एवरेज परसेंटेज है, औसत है। ठीक, अब देखिए, अब यहां हम देखने वाले हैं विगत 6 वर्षों में कुछ विशेष वर्ष जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हम देखेंगे आपके वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की स्थिति में। देखिए कृषि क्षेत्र में आपके पिछले 6 सालों में यानी कि 15-16 से लेकर के आपके 20-21 तक की स्थिति में किस वर्ष, किस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और ये वृद्धि थी आपके 21.28%, यानी कि 21.28% की वृद्धि दर्ज की गई कृषि क्षेत्र में। और इसका कारण था कि उस साल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल हुई।
ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पिछले 6 सालों में किस वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो किस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2016-17 में। इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज परसेंटेज से तो वैसे प्रश्न नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन ये जो आपके ईयर है, ईयर से प्रश्न पूछता है। अच्छी फसल के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो है आपकी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। जबकि ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई, यह भी प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछले 6 सालों में 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था -0.95%, यानी कि ऋण 0.95% की जो है आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, जो इसका कारण था आपका सूखाग्रस्त, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपका सूखा की स्थिति आ गई थी, जनपद जो है आपके सूखा का जो आपका मार झेल रहे थे, सूखाग्रस्त की स्थिति आ गई थी। और एक आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई आपके वित्तीय वर्ष 2017-18 में, 15-16-17-18, देखिए लाइन से है, 15-16-17-18, ठीक, याद करने में दिक्कत नहीं होगा, 15-16-17-18, ये जो आपके ईयर है इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, और ये थी आपकी सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि है, यानी कि सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, -10.90%, यानी कि ऋण 10.90% की जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, और इसका कारण था आपके उत्पादन में कमी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे हम उद्योग क्षेत्र में पिछले 6 सालों में आपका कुछ विशेष वर्ष, तो उद्योग क्षेत्र में आपके वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 तक की स्थिति में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ठीक है, 2018-19 में जो है आपका सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, और यह था परसेंटेज आपका 9.40%, 9.40%, जो कि सर्वाधिक वृद्धि रही। जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई आपके इसी पिछले वित्तीय वर्ष में, जो पिछला वित्तीय वर्ष था वो था आपका 2020-21, और इसी में जो है आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया पिछले 6 सालों में, और यह वृद्धि यही है आपका -5.28%, और इसका कारण था आपके कोरोना संक्रमण के काल में लॉकडाउन की स्थिति, जिसके कारण उद्योग क्षेत्र प्रभावित रहा, और पिछले 6 साल में जो है आपका यही आपका वित्तीय वर्ष है, पिछला वित्तीय वर्ष 2020-21, जिसमें उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सेवा क्षेत्र में विगत 6 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में, और यह वृद्धि दर थी आपकी 8.32%, ठीक है, इसमें ऋणात्मक वृद्धि की स्थिति नहीं आई है, सर्वाधिक वृद्धि रही आपकी वित्तीय वर्ष 2018-19 में, जो थी आपकी 8.32%, ठीक। अब देखिए, अब जीएसडीपी में, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो आपका ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीएसडीपी ग्रोथ रेट है, उसको समझिएगा, इसको हम देखेंगे विगत 9 वर्षों में, ठीक है, 9 वर्षों में, जो इससे पहले कृषि उद्योग सेवा है ये 6 वर्षों के लिए था, इसमें ओवरऑल हम देखने वाले हैं आपके पिछले 9 वर्षों में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के 2020-21 तक की स्थिति में, इसमें सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई वित्तीय वर्ष 2016-17 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, इसका परसेंटेज था आपका 12.13%, 12.13% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई छत्तीसगढ़ के जीडीपी में, या जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक। और जो आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ऋणात्मक वृद्धि इसी वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो था आपका -1.77%, इसका भी कारण था आपके कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की स्थिति, ठीक। इंडिविजुअल प्रश्न पूछा जाता है ये वाले कॉलम से, तो पेटेंट एक ना एक क्वेश्चन उठता है कि जो है पिछले वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत, और जीएसडीपी में अनुमानित प्रतिशत, औसत वृद्धि से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये जो है इंडिविजुअल प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ऋणात्मक वृद्धि से बहुत ज्यादा प्रश्न आया है, सर्वाधिक वृद्धि से तो नहीं आया है लेकिन ऋणात्मक से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।